हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्राई पीरियड में जो अडर का डेवलपमेंट है वो कितना ज़रूरी है। साथियों, अगर हम गाय के अडर की बात करें, जिसको हम सामान्य भाषा में लेवा या अयन बोलते हैं, ये जो गाय का अडर है वो बराबर चार भागों में बटा हुआ है और हर एक भाग का दूध एक थन से हमें मिलता है। तो मतलब जो गाय का अडर है वो इक्वली चार भागों में बटा हुआ है और सस्पेंसरी लिगामेंट से वो जुड़ा हुआ है। पशु के शरीर के साथ में जो अडर है वो सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। अगर मान के चलो किसी भी एक थन का दूध या एक थन में मेस्टाइटिस आ गई, तो उस थन से बनने वाला दूध है जो हमें नहीं मिलेगा। अब साथियों, जैसा कि हम बात करते हैं, जो अगर हम सामान्य भाषा में अडर की बनावट को समझें, तो आप किसी एक पेड़ को इमेजिन करें, कोई भी, जैसे नीम का पेड़ है मान के चलो, तो नीम के पेड़ की हर एक पत्ती, अगर हम उसको अडर के साथ में कंपेयर करें, तो अडर की जो एक कोशिका है उसको डिनोट करती है। कुछ पत्तियां बन मिल के एक जो छोटी छोटा तना है, छोटी लीफ है, पत्ती है, उसको बनाएंगी। तो उसी हिसाब से कुछ कोशिकाएं मिलके एक छोटी है जो मिल्क एल्वियोलाई बनाएंगी। फिर छोटी छोटी जो टहनियां हैं वो मिलके एक बड़ी टहनी को बनाएंगी और कुछ बड़ी टहनियां मिलके जो एक पेड़ है उसके जो मेन तना है उस पे अटैच हो जाती है। तो उसी हिसाब से कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं मिलके एक मिल्क एल्वियोलाई बनाएंगी। बहुत सारी मिल्क एल्वियोलाई बनके जो मिल्क वेन्यूल है, डक्ट्यूल है, वो बनाएंगी, और जो डक्ट्स हैं फिर वो बनके मिल्क वेन बनाएंगे, और बहुत सारी जो मिल्क वेन्यूल्स हैं वो बनके जो टीट की ओपनिंग है उसमें ड्रेन हो जाती है। अब साथियों, हर एक कोशिका दूध को बनाने में अपना रोल प्ले करती है। जब हम किसी भी पशु की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो ये देखते हैं भी इसका अडर कितना अच्छा है। तो अडर कितना अच्छा है, इसका मतलब कितनी कोशिकाएं हैं, किस हिसाब से बना हुआ है, क्या साइज है। तो साथियों, जो कोशिकाएं हैं वो मिलके टिश्यू ऊतक का निर्माण करेंगी और ऊतक से फिर पूरा जो अडर है वो बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी एनिमल को हम ड्राई पीरियड नहीं देते हैं, किसी गाय को हमने 60 दिन का ड्राई पीरियड नहीं दिया, तो क्या होगा, इन कोशिकाओं को दोबारा से बनने में बनने का वक्त नहीं मिलेगा। ये जो कोशिकाएं हैं वो जितना उनकी संख्या होनी चाहिए, जितना ऊतक होना चाहिए, वो अडर का ऊतक टिश्यू नहीं बनेगा, और फिर जितनी कोशिकाएं कम होगी उतना ही दूध भी हमें कम मिलेगा। तो अगर मान के चलो किसी गाय को हमने ड्राई नहीं किया, तो क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा, कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो जो मेमोरी टिश्यू है वो नहीं बनेगा, और अल्टीमेटली हमें दूध का उत्पादन कम मिलेगा। तो साथियों, ज्यादा कोशिकाएं बने, अडर दोबारा से रेजुवनेट हो, अडर दोबारा से खुद का निर्माण करे, कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाए, इसके लिए 60 दिन का ड्राई पीरियड हम गाय को देते हैं। अब साथियों, जो कोशिकाएं हैं उनको बनने के लिए, उनकी संरचना को सही रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, विभाजन के लिए गाय को उचित मात्रा में प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें देना बहुत जरूरी है। तो ट्रांजिशन पीरियड से पहले जब गाय का लेवा बनना है, तब उस टाइम पे हम सबसे अच्छे राशन की जो सिफारिश है किसान भाइयों के लिए करते हैं कि आप अपनी गाय को सबसे अच्छा राशन दो ब्याह से पहले का। क्योंकि अगर अगर अडर डेवलपमेंट अच्छा है, कोशिकाएं अच्छी हैं, टिश्यू बना हुआ है, लेवे की शेप अच्छी है, तो वो गाय फिर आपको अच्छे दूध का निर्माण करेगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपका जो पशुपालन की जानकारी है उसको बढ़ाएगी। थैंक यू।